Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. मुसन्निफ़ ज़ाहिर व नस का हुक्म बयान फरमा रहे हैं। वहुक्म ज़ाहिरी व नस्सी वुजूबुल अमली बिहिमा आमैनी काना औ खासैनी मा एहतिमाली इरादतिल गैरी वज़ालिका बिमंज़िलतिल मजाज़ी माल हकीकती। ज़ाहिर व नस का हुक्म इन दोनों पर अमल का वाजिब होना है, दोनों आम हों या ख़ास। इस एहतिमाल के साथ के गैर मुराद हो सकता है और ये हकीकत के साथ मजाज के मर्तबे में है। ज़ाहिर व नस के हुक्म में मशाइख के दो मज़हब हैं। शेख अबुल मंसूर मातुरीदी अस्हाब हदीस और बाज़ मोतज़िला का मज़हब यह है कि ज़ाहिर का हुक्म यह है कि लफ्ज़ को जिस मायने के लिए वज़ा किया गया है इस पर ज़न्नी तौर पर अमल करना वाजिब है, कतई तौर पर अमल करना वाजिब नहीं है। वो मुफीद ज़न है, मुफीद यकीन नहीं। अलबत्ता इससे अल्लाह ताला की जो मुराद है उसके हक होने का एतिकाद रखना वाजिब है और मशाइखे इराक जैसे इमाम करखी, अबू बकर जस्सास, काजी अबू जैद और आमतुल मोतज़िला का मज़हब ये है कि किताबुल्लाह और सुन्नत मुतवातिरा का ज़ाहिर इल्म व अमल दोनों को कतअन वाजिब करता है। इस इख्तिलाफ की बुनियाद यह है कि ज़ाहिर व नस हकीकत भी हो सकते हैं और आम भी हो सकते हैं और हर हकीकत मजाज का एहतिमाल रखती है और हर आम खास का एहतिमाल रखता है। तो ज़ाहिर व नस मजाज का भी एहतिमाल रखते हैं और खुसूस का भी एहतिमाल रखते हैं। शेख अबुल मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने चूंकि इस एहतिमाल का एतबार किया है इसलिए उन्होंने फरमाया कि इन दोनों का हुक्म ज़न्नन अमल का वाजिब होना है, कतअन अमल का वाजिब होना नहीं है। इसी मज़हब का एतबार करते हुए मुसन्निफ़ ने फरमाया कि ज़ाहिर व नस का हुक्म यह है कि इन पर अमल करना वाजिब है मा एहतिमाली इरादतिल गैर, मगर इस एहतिमाल के साथ कि इन दोनों में से हर एक दूसरी चीज मसलन मजाज और खुसूस का एहतिमाल रखता है। और इमाम करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह चूंकि इस एहतिमाल का एतबार नहीं करते हैं इसलिए उनके नज़दीक इन दोनों से ज़न साबित नहीं होता बल्कि कतियत और यकीन साबित होता है। ये दोनों मुफीद यकीन हैं, मुफीद ज़न नहीं हैं। मुसन्निफ़ फरमाते हैं व इन्नमा यज़हरु तफ़ावुतु बैनहुमा इंदल मुकाबलती, और ज़ाहिर व नस के दरमियान मुकाबले के वक्त यानी मुआरज़े के वक्त तफ़ावुत ज़ाहिर होगा।
और वो ये है कि दो हुज्जतों में से एक में हुक्म का इस्बात हो और दूसरी में हुक्म की नफी हो। तो तआरुज के वक्त आला पर अमल किया जाता है, अदना पर अमल नहीं किया जाता। लिहाजा जब जाहिर और नस में तआरुज हो तो तरजीह जो है नस को हासिल होगी, जाहिर को हासिल नहीं होगी, क्योंकि जाहिर नस के मुकाबले में अदना है, क्योंकि नस के लिए कलाम को चलाया जाता है तो वो मकसूद है और इसके मुकाबले में दूसरा गैर मकसूद है। जाहिर और नस में तआरुज की मिसाल मुसन्निफ देते हैं कि किसी शख्स ने अपनी बीवी से कहा, तल्लिकी नफ्सकी, तू अपने आप को तलाक दे ले, और बीवी ने उसके जवाब में कहा, अबन तो नफसी, मैंने अपने आप को अलग कर लिया, तो इस सूरत में तलाक़े रजई वाक़े होगी, क्योंकि बीवी का ये कहना अबन तो नफसी तलाक़े बाइन वाक़े होने में जाहिर है। इसलिए कि इस जुमले को सुनते ही ये बात समझ में आती है कि वो अपने ऊपर तलाक़े बाइन वाक़े करना चाहती है, और अबन तो नफसी तलाक़े रजई वाक़े होने में नस है, इसलिए कि ये जुमला जवाब में कहा गया है और शोहर ने उसके सुपुर्द जो तलाक की थी वो तलाक़े सरी थी, क्योंकि उसने कहा था तल्लिकी नफसकी कि तू अपने आप को तलाक दे, और सरी तलाक से तलाक़े रजई वाक़े होती है। इसलिए बीवी का ये कहना अबन तो नफसी तलाक़े रजई में नस है। खुलासा कलाम ये है कि अबन तो नफसी तलाक़े बाइन में जाहिर है और तलाक़े रजई में नस है, और जब जाहिर और नस में तआरुज हो तो नस पर अमल किया जाता है, तरजीह नस को हासिल होती है, लिहाजा नस पर अमल किया जाएगा और औरत पर तलाक़े रजई वाक़े होगी, तलाक़े बाइन वाक़े नहीं होगी। जाहिर और नस में तआरुज की एक और मिसाल मुसन्निफ पेश कर रहे हैं कि उरैना के कुछ लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत अक्दस में मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए तो यहाँ की आबो हवा उनके मुआफिक नहीं आई, वो बीमार पड़ गए, उनके चेहरे उनकी रंगत पीली पड़ गई और उनके पेट फूल गए, तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत अक्दस में अर्ज़ किया तो आपने फरमाया, सदकात के ऊँट जो चर रहे हैं, इश्रबू मिन अबवालिहा व अल्बानिहा, तुम इनका पेशाब और दूध पियो। उन्होंने जाकर ऐसा ही किया और वो लोग सेहतियाब हो गए। तो ये हदीस इश्रबू मिन अबवालिहा व अल्बानिहा, ऊँटों का पेशाब पियो और उनका दूध पियो, ये हदीस बयान सबब शिफा में नस है और इजाजत शुरब बोल में जाहिर है। इस हदीस से पता चल रहा है कि पेशाब का पीना जायज है, इसमें ये जाहिर है और ये बयान इस वजह से की गई है कि उन्होंने अपनी बीमारी की शिकायत की थी
तो हुजूर ने उसका इलाज ये बताया। तो ये नस है इस बारे में, जबकि दूसरी हदीस में है इस्तंजिहु मिनल बौली फइन्ना आमता अजाबिल कब्री मिन्हु, पेशाब से बचो क्योंकि आम तौर पर अजाब कब्र इसी की वजह से होता है। अब ये हदीस पेशाब से एतराज के वाजिब होने में नस है कि पेशाब से एतराज करना है, पेशाब से बचना है। और जब नस में और जाहिर में तारुज हो तो तरजीह नस को हासिल होती। तो अहले उरैना वाली हदीस जाहिर है पेशाब के पीने की इजाजत के बारे में, और ये वाली हदीस जो है नस है पेशाब से एतराज करने के बारे में, लिहाजा नस को तरजीह हासिल होगी और पेशाब का पीना बिल्कुल हलाल नहीं होगा।